हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रियाज और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल रियाज इंग्लिश क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ पांच ऐसे वर्ड्स शेयर करूंगा जिसमें आपको वैरी लगाने की जरूरत नहीं है, यानी आप बिना वैरी लगाए वो वर्ड्स बोल सकते हो। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के बराबर में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिए जिससे मैं जब भी नई वीडियो लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बात करते हैं सबसे पहले इसकी। दोस्तों, इसका मतलब होता है बहुत शांत होना या बहुत सुकून से होना। दोस्तों, इसकी जगह आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं सीरेन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी काम या फिर ही इज सीरेन। तो दोस्तों, देखा आपने, यहाँ पर वेरी काम की जगह आपने सीरेन यूज कर दिया। दोनों का एक ही मतलब है, बहुत शांत होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। दोस्तों, अगला वर्ड आता है वेरी डर्टी। वेरी डर्टी का मतलब होता है बहुत गंदा। दोस्तों, वेरी डर्टी की जगह आप यूज कर सकते हैं फिल्दी। फिल्दी का भी वही मतलब होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हिज क्लोथ्स आर वेरी डर्टी। हिज क्लोथ्स आर फिल्दी। उसके कपड़े बहुत गंदे हैं। तो वेरी डर्टी की जगह फिल्दी यूज कर देंगे, इसका भी मतलब है बहुत गंदा होना। दोस्तों, इसमें तीसरे नंबर पर आता है वेरी चीप। वेरी चीप की जगह आप स्टिंगी भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, स्टिंगी का भी मतलब होता है बहुत सस्ता। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोडक्ट्स आर वेरी चीप इन दिस मॉल। द प्रोडक्ट्स आर स्टिंगी इन दिस मॉल। यहाँ इस मॉल में सामान बहुत सस्ता है। दोस्तों, इसमें अगला वर्ड आता है वेरी ब्राइट। वेरी ब्राइट का मतलब है बहुत चमकीला है, बहुत चमकदार। इसकी जगह आप ल्यूमिनस यूज कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। दीज कलर्स आर वेरी ब्राइट या फिर दीज कलर्स आर ल्यूमिनस। ये कलर बहुत चमकीले हैं। दोस्तों, इसमें पांचवा नंबर पर आता है वेरी हंग्री। वेरी हंग्री का मतलब होता है दोस्तों बहुत भूखा होना। वेरी हंग्री की जगह आप स्टार्विंग यूज कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम वेरी हंग्री या फिर आई एम स्टार्विंग। मैं बहुत भूखा हूँ। तो दोस्तों, ये तो थे पांच ऐसे वर्ड्स जिनको आप बिना वेरी लगाए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय।